पूरी दुनिया को कोरोना नाम के वायरस ने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर गलती हम कहां कर रहे हैं और आने वाले वक्त में कौन कौन सी चुनौतियां हमारे सामने आ सकती हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमसे आग्रह किया है, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने के नाते मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आप 22 मार्च को उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अपने परिचितों को जरूर बताएं, जिससे हम अपनी एकता की ताकत से इस महामारी से लड़ सकें। क्या कारण है इन आपदाओं के? हमारी अनदेखी का नतीजा, हमारी लापरवाही का नतीजा, हमारी जरूरत से ज्यादा आरामदेह जिंदगी बनाने का नतीजा, हमारी प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग का नतीजा, जिनका हमने बहुत बड़ी जनहानि के द्वारा भुगतान किया है। तो हम कैसा भविष्य बना रहे हैं अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामने? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया है आज की सिचुएशन में। तो क्या हम सब अपनी बेलगाम आदतों को सुधार सकते हैं? क्या हम सब अपनी जिंदगी को जरूरत से ज्यादा आरामदेह बनाने की चाह को छोड़ सकते हैं और फिट रह सकते हैं? क्या हम अपने प्राकृतिक संसाधनों के दुरुपयोग को रोक सकते हैं और विलुप्त हो रहे प्राकृतिक संसाधनों को बचा सकते हैं? क्या हम भारतीय पूरी दुनिया को विश्व गुरु बनकर स्वावलंबी बनना सिखा सकते हैं? इन्हीं सवालों के जवाब में छिपा है आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य। तो क्या आपको पता है पिछले 10 सालों में न जाने किस किस टाइप के वायरस इस धरती पर आए? इबोला, जीका, वर्ल्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, मलेरिया, डेंगू, कोरोना, जिनकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जान गई और हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल ने इन सारे वायरसेस को और मजबूत बना दिया। ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ने के द्वारा क्लाइमेट चेंज होने की वजह से पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है और हम बेपरवाह बने हुए हैं और ये सही समय है जागने का। मेरा वीडियो बनाने का मतलब आपको डिमोटिवेट या फिर नेगेटिव बोलने का नहीं है। मैं चाहता हूँ कि हम सब अपनी जिम्मेवारी को समझें और एक साथ मिल करके इस सिचुएशन का सामना करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लोगों को दिखाइए, अपने दोस्तों को बताइए और उन्हें भी जगाइए कि आज आपकी बारी है जागने की। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।